नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564905096906089752386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे उनको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है और आज के अपने इस वीडियो में हम UPBCS प्री 2022 फुल लेंथ टेस्ट नंबर 7 करने वाले हैं। तो चलिए अपनी तैयारी को उसी मजबूती और उसी उमंग के साथ अपना कंटिन्यू करते हैं, अपने अभ्यास से शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों की श्रृंखला को। आइए अपनी स्क्रीन पर पहले प्रश्न को देखिए। मध्य पाषाण काल में निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों से मिट्टी के बर्तन प्राप्त किए गए हैं? तो किन क्षेत्रों से प्राप्त किए गए हैं, इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि लंगनाश, और दूसरा क्या है, मिर्जापुर का कैमूर क्षेत्र से। चलिए आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। निम्नलिखित में से किन नवपाषाणिक स्थलों से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि मस्की से, वहीं ब्रह्मगिरी, और तीसरा क्या है, पिकलीहल से। ये पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं। अब देखिए ये जो बुद्धिहल है ना, इससे क्या प्राप्त हुआ, इससे सामुदायिक भोजन तैयार करने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। स्पष्ट हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। उस राज्य का नाम बताइए जहाँ एक प्रारंभिक हड़प्पा पुरातात्विक स्थल पादरी स्थित था। जिस क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता फैली हुई थी वह आकार में डैश क्या है, था लिखा है यहाँ पर। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी यानी कि प्रारंभिक पुरातात्विक स्थल पादरी स्थित था। वो नाम हमें बताना है कहाँ था, गुजरात में, और जिस क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता फैली हुई थी वह आकार में त्रिकोणीय था। स्पष्ट हो गया होगा, आगे देखते हैं। हड़प्पा वासी निम्नलिखित में से किन धातुओं से परिचित थे? देखिए इसमें क्या है, देखिए इसमें हमें इतना तो पता है कि भाई मान लेते हैं हमें पता है कि लोहा तो नहीं था, हड़प्पा वासी जो है लोहा धातुओं से परिचित नहीं थे। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कि बाकी के इसके एलिमिनेशन देख लेते हैं कहाँ कहाँ लोहा, मतलब दूसरा कहाँ कहाँ आ रहा है। तो ए में आ रहा उसको निकाल देते हैं, बी में आ रहा उसको निकाल देते हैं, डी में आ रहा इसको निकाल देते हैं। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या मिलेगा, ऑप्शन सी यानी कि तांबा, कांसा और सोना जो है इन धातुओं से वो परिचित थे। देखिए जब प्रश्न नहीं आए तो इस तरह से भी अगर हमें एक ऑप्शन भी उसमें आता है तो भी उसके आधार पर हम एलिमिनेशन मेथड के थ्रू भी अपना प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हैं, ऐसी कोशिश की जा सकती है। आइए आज के अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, यहाँ पर पूछा है कि सही सुमेलित नहीं है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, यानी कि ये चारों ही जो कथन है वो करेक्ट है एकदम। पढ़ लेते हैं एक बार, क्या है, ऋग्वेद की शाखा शाकाल शाखा, सामवेद की शाखा कौथुम। देखिए अर्थवेद की शाखा जो है वो पैपलाद है, तो इस प्रकार से तीनों कथन हमारे करेक्ट हो जाते हैं। आइए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, एक तरफ इसके महाजनपद दिए गए और दूसरी तरफ इसके संबंधित शासक दिए गए हैं, तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन बी यानी कि गांधार महाजनपद जो है उसके संबंधित शासक उदयन नहीं बल्कि कौन थे, पुष्कर सरीन थे। मैं यहां लिखने की कोशिश करती हूँ, पुष्कर सरीन थे। ठीक है, स्पष्ट हो गया होगा, और बाकी के जो आपके संबंधित शासक हैं इसके महाजनपद के वो एकदम करेक्ट हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है और ये बौद्ध धर्म से संबंधित शब्दावली है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है ऑप्शन सी यानी कि ये गलत है, क्योंकि परिब्रजक जो है वो मठ नहीं बल्कि भ्रमणशील होगा, यहाँ पर क्या होगा, भ्रमणशील होगा। बाकी के जो आपके ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। आइए देखते हैं, मगध और उसकी राजधानी पाटलिपुत्र के अलावा मौर्य साम्राज्य चार अन्य प्रांतों में विभाजित था, इससे संबंधित सही विकल्प का हमें चयन करना है, तो इसमें सही विकल्प कौन सा है, ऑप्शन ए यानी कि तक्षशिला जो है वो उत्तर पश्चिम भारत में ही था। बाकी के ऑप्शंस कह रहा है कि गलत है, आइए देख लेते वो सही क्या है, जैसे स्वर्णगिरी कहाँ था, पश्चिमी भारत में नहीं बल्कि ये दक्षिण भारत में था। ठीक है, इसके बाद तोसाली कहाँ पर था, दक्षिण भारत में नहीं था बल्कि ये पूर्वी भारत में था, यहाँ पर स्पष्ट हो गया होगा, उज्जैन पूर्वी भारत में नहीं बल्कि ये पश्चिमी भारत में था।
चलिए आगे देखते हैं। संगम युग के दौरान पूरा तमिलाकम उनके आर्थिक संसाधनों के आधार पर 5 पर्यावरण क्षेत्रों में विभाजित था। इससे संबंधित हमें गलत विकल्प का चयन करना है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी आंसर है, लेकिन ये गलत है क्योंकि नेतल जो था वो शुष्क क्षेत्र नहीं बल्कि समुद्र तट था। एक ये क्या था? ये समुद्र तट। बाकी के ऑप्शन आपके करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि जो मंत्र शास्त्र के लेखक है वो शंकु नहीं थे बल्कि कौन थे? बेताल भट्ट थे। तो इनके लेखक कौन थे? यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, बेताल भट्ट थे। स्पष्ट हो गया होगा। देखिए बाकी के ऑप्शन आपके करेक्ट है। आइए देखते हैं आगे क्या है। लता के निम्नलिखित चालुक्य शासकों का कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। किसकी बात कर रहा है? लता के चालुक्य शासकों की। आइए पहले इनका क्रम देख लेते हैं, फिर हम इस प्रश्न का उत्तर आसानी से ढूंढ सकेंगे। जैसे बारप्पा जो है 1970 से लेकर कब से कब तक का शासन था? 990 ईस्वी, ठीक है। इसके बाद गोगी राजा का कब से कब तक का शासन था? 1990 ईस्वी से 1010। फिर वहीं कीर्ति राजा का कब से कब तक का था? 1010 ईस्वी से। यहाँ पर ईस्वी मैं लिख नहीं रही लेकिन आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद 1010 से 1030 था कीर्ति राजा का शासन। फिर शासन था इनका। वत्स राजा का कब से कब तक का था? 1030 से था 1050 ईस्वी तक। स्पष्ट हो गया। अब देखिए इसी आधार पर हम इसका क्रम चूज कर लेते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी कि चारों ही सही क्रम में लगे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए वाक्य से संबंधित सही उत्तर का हमें चयन करना है। आइए क्या कहता है ये स्टेटमेंट। कांची के पल्लवों में से एक शासक जिसने मामल्लपुरम बंदरगाह का निर्माण करवाया था, उस शासक के सम्मान में महाबलीपुरम को मामल्लपुरम के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी, यानी कि नरसिंह वर्मन प्रथम थे जिसके बारे में स्टेटमेंट दिया गया है, और इनको किस नाम से और जाना जाता था? किनको? नरसिंह वर्मन प्रथम को महामल्ला के नाम से भी जाना जाता था। इनको महामल्ला भी मतलब कहा जाता था। और महामल्ला या इनका हमारा देखेंगे कि शासनकाल कब से कब तक का था, तो 630 से लेकर 668 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रतिहार वंश के निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल के दौरान राष्ट्रकूटों, प्रतिहारों और पालों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ई, यानी कि वसराज के समय पे संघर्ष हुआ था त्रिपक्षीय। और वसराज का शासनकाल कब से कब तक का था? 780 से 800 ईस्वी तक का था। स्पष्ट हो गया है। आगे देखते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्य राष्ट्रकूट राजवंश के निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित था? देखिए ये स्टेटमेंट क्या है। इनके घोड़ों ने हिमालय से निकलने वाली ठंडी जलधाराओं का पानी पिया है, इनके हाथियों ने गंगा के पवित्र जल का स्वाद चखा है। तो ये किससे संबंधित है? यहाँ पर आंसर कह रहे हैं कि ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि जो ऑप्शन दिए गए इनमें से इसका कोई लिंक नहीं है। तो करेक्ट क्या होगा इसका, किससे संबंधित है? तो देखिए ये जो अभिलेख है ना, ये जो लिखा हुआ है वो कहाँ मिला है? ये गोविंद तृतीय के संजन अभिलेख में इसके बारे में लिखा हुआ है। किसके किसमें लिखा है? गोविंद तृतीय के संजन अभिलेख में। और गोविंद तृतीय का शासनकाल कब से कब तक का था? 793 ईस्वी से 814 ईस्वी तक था। स्पष्ट हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। चोल राजवंश के निम्नलिखित शासकों का कालानुक्रम हमें क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देख लेते हैं क्या है इसका क्रम। देखिए वीर राजेंद्र का जो शासनकाल था वो 1063 से लेकर कब से कब तक का था? 1067 ईस्वी तक था। वहीं अथी राजेंद्र का कब से कब तक का था शासनकाल? 1067 ईस्वी से 1070 तक का था। वहीं कोलोत्तुंग, क्या लिखा है? कोलोत्तुंग प्रथम का कब से कब तक का शासनकाल था? 1070 ईस्वी से 1122 ईस्वी तक था। वहीं अंत में देखते हैं राजेंद्र द्वितीय का कब से कब तक का था? 1054 ईस्वी से 1063, यानी कि 1063 ईस्वी तक का इनका शासनकाल था। अब देख लीजिए सही क्रम में लगाना कैसे है। तो क्या होगा इसका सही क्रम? ऑप्शन बी, यानी कि चौथा पहले आएगा, फिर वीर राजेंद्र आएंगे, इसके बाद आएगा अथि राजेंद्र, फिर हमारे आएंगे कोलोत्तुंग प्रथम आएंगे। करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? ये सल्तनत काल से संबंधित यहाँ पर आपको दिए गए हैं कथन। तो यहाँ पर कौन सा सही नहीं है? खाजिन सही नहीं है, क्योंकि इसका ये जो है वो राज्य कानून नहीं होता, बल्कि ये खाजिन क्या होता था? यहाँ पर कोषाध्यक्ष होता था ये, ठीक है।
यहाँ पर क्या होता था, ये कोषाध्यक्ष होता था, बाकी के देखेंगे आप ये करेक्ट हैं। आगे बढ़ते हैं, आगरा शहर की स्थापना किस वंश के शासनकाल में हुई थी और निम्नलिखित में से किसने गुल रखी के नाम से फारसी में कविताएं लिखी थी। तो देख लेते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ऑप्शन ए यानी कि लोदी वंश के शासनकाल में आगरा शहर की स्थापना हुई थी, वहीं सिकंदर लोदी ने गुल रखी के नाम से फारसी में कविताएं लिखी थी। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाता है। देखिए ये तो पता चल गया कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, अब आपके लिए भी तो थोड़ा काम मुझे देना पड़ेगा ना। चलिए आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है कि आप हमें कमेंट बॉक्स पे बताइए कि लोदी वंश का जो कार्यकाल था वो कब से कब तक का था। ऐसे ही तैयारी होगी ना, एक प्रश्न के साथ अगर आप बाकी चीजों को भी देखते रहेंगे तो एक प्रश्न के साथ अन्य प्रश्नों की भी तैयारी होती रहेगी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का हमें चयन करना है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि केवल जो तीसरा कथन है वो करेक्ट है कि फिरोज शाह तुगलक जो है वो फतुहत ए फिरोज शाही, इनके आगे जो लिखा है वो करेक्ट है। अब देखिए बाकी के गलत क्यों है, क्योंकि बर्नी ने यहाँ पर फतेह उल सुलातिन नहीं लिखा था बल्कि क्या लिखा था, तारीख ए फिरोज शाही लिखा था। वहीं ख्वाजा अब्दुल मलिक इस्लामी ने क्या लिखा था, यहाँ पर तारीख फिरोजशाही इन्होंने नहीं लिखा था बल्कि इन्होंने क्या लिखा था, फतह उस सुलातिन लिखा था। स्पष्ट हो गया है। चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का हमें चयन करना है, ये शेर शाह के प्रशासन से संबंधित है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ऑप्शन ए यानी कि ये गलत है हमारा, दीवाने विजारत जो है वो राज्य समाचार एजेंसी के प्रमुख नहीं हुआ करते थे बल्कि कौन हुआ करते थे, दीवाने विजारत राजस्व और वित्त के प्रभारी हुआ करते थे। बाकी के ऑप्शंस आप देखेंगे एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया, ध्यान दीजिएगा अकबर ने तीर्थ कर कब समाप्त किया। एक तरफ आपको जजिया कर पूछ रहे हैं, दूसरा पूछ रहे तीर्थ कर कब समाप्त किया, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन डी यानी कि इन्होंने जजिया कर अकबर ने 1564 में और वहीं तीर्थ कर कब समाप्त किया था 1563 में। कंफ्यूज मत होइएगा, फिर से देख सकते हैं आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर। आइए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम डाई और ट्राई पैप्टाइड्स को अमीनो अम्ल में विघटित करता है, तो कौन सा अम्ल है वो, रिप्सिन है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, एक तरफ आपके आविष्कार खोज दिए गए हैं, एक तरफ उससे संबंधित वैज्ञानिक यानी कि उसके साइंटिस्ट दिए गए हैं, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ई यानी कि पोलियो वैक्सीन की खोज जो है वो जोनास एडवर्ड सॉल्क ने की थी। ये तो करेक्ट है, इसका मतलब ये तीनों गलत है। आइए करेक्ट क्या है देखते हैं, विटामिन के की खोज जो है वो हेनरिक डैम ने की थी। स्पष्ट है, ईसीजी की खोज किसने की थी, ईसीजी की खोज जो है वो विलेम एंथोवेन ने की थी। यहाँ पर इस तरह से कर देती हूँ। और वहीं कैल्शियम की देखिए लास्टली क्या बचता है, कैल्शियम की खोज हम्फ्री डेवी ने की थी। स्पष्ट हो गया है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का हमें चयन करना है, एक तरफ आपको तत्व दिए गए, दूसरी तरफ आपको इनके अयस्क दिए गए। ये देखिए यहाँ पर सोडियम रॉक सॉल्ट है, पोटेशियम सॉल्ट पीटर है, इसके बाद मरकरी कैलोमल है, इसका मतलब कैल्शियम गलत है। क्यों, क्योंकि कैलामाइन जो है अयस्क वो उसका तत्व कैल्शियम नहीं बल्कि क्या है, जिंक है। ठीक है, तो इस प्रश्न के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है, तो देख लेते हैं इसमें गलत विकल्प क्या है। ऑप्शन ए यानी कि व्हाइट विट्रियल जो है वो पोटेशियम सल्फेट नहीं बल्कि जिंक सल्फेट है। यहाँ पर क्या है, ये जिंक सल्फेट है। ठीक है, और बाकी के ऑप्शंस आपके यहाँ पर करेक्ट दिए गए हैं। आप चाहें तो ऐसे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि रिवाइज करने में आसानी हो जाएगी थोड़ी सी, और आप अभ्यास आपका अच्छा रहेगा तो प्रश्नों में आगे गलती भी नहीं होगी। आइए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा पादप स्वास्थ्य का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था, तो ऑप्शन बी यानी कि 2020 को। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, एक तरफ आपकी कंट्रीज और दूसरी तरफ आपकी उनकी करेंसीज दी गई हैं, तो इसमें सही सुमेलित कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए अंडोरा, क्योंकि अंडोरा देश की मुद्रा कांजा थोड़ी ना होती है, यूरो होती है। बाकी के ऑप्शन देखेंगे आप, करेक्ट है। आइए आगे बढ़ते हैं, भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य भूटान की सीमा को स्पर्श करते हैं, तो देख लेते हैं कौन कौन से वो राज्य हैं। देखिए इसमें पश्चिम बंगाल भी करता है, सिक्किम भी करता है, हमारा जो राज्य है ये जो राज्य है वो भूटान की सीमा को स्पर्श करते हैं, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, एक और करता है वो है असम। इसका मतलब पहला दूसरा और चौथा करेक्ट है। देखते हैं पहला दूसरा चौथा किसमें है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब आप हमें बताइए अपने कमेंट बॉक्स में कि एक और राज्य है, इन तीनों के अलावा एक और राज्य है जो भूटान की सीमा को स्पर्श करता है, तो आप बताइए वो कौन सा राज्य है। क्लियर हो गया है, आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देश और एक तरफ उनके संसद का नाम दिया गया है। देखिए इसमें पूछा है सही सुमेलित नहीं है, इसराइल में तो संसद का नाम नेसेट ही है, ईरान में भी संसद का जो नाम है वो मजलिस है, वहां पर स्पेन में जो संसद का नाम है ना वो डायट नहीं है बल्कि क्या है यहाँ पर उसका क्या नाम है, कोर्टेज है। क्या है यहाँ पर लिख देती हूँ, कोर्टेस है यहाँ पर, ठीक है। रूस का जो संसद का नाम है वो तो ड्यूमा ही है। अब देखिए डाइट तो किसी ना किसी का होगा, तो आप ये बताइए कि डाइट जो है वो किस देश की संसद का नाम है। यहाँ पर आप हमें बताएंगे किस देश की संसद का नाम है ये। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से सबसे पूर्वी बाघ अभयारण्य को हमें चुनना है। तो सबसे पूर्वी बाघ अभयारण्य चुनने के लिए हमें एक बार देखना पड़ेगा कौन कहाँ पर है। जैसे कि रणथंभौर बाघ अभयारण्य कहाँ पर है, ये हमारा राजस्थान में है, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से लिख दे रही हूँ, राजस्थान में है। दूसरा सतपुड़ा बाघ अभयारण्य कहाँ पर है, ये एमपी में है। इसके बाद यहाँ पर इसमें अब आप ये बताइएगा, देखिए ये दो पता चल गए। इस प्रश्न का उत्तर है जो सबसे पूर्वी बाघ अभयारण्य है वो है ऑप्शन डी यानी कि कान्हा बाघ अभयारण्य। अब सी आप हमें बताएंगे, आपकी तैयारी भी तो पता चले कितनी क्या चल रही है। तो ऑप्शन सी आप हमें बताएंगे कि बोर बाघ अभयारण्य है वो कहाँ पर है। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है, हम इसमें गलत क्या है, देखिए गुजरात जो है वो कुलिक पक्षी अभयारण्य है वो गुजरात में नहीं है बल्कि कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है ये। कहाँ पर है ये, पश्चिम बंगाल में। और बाकी के जो पक्षी अभयारण्य दिए गए हैं उनका ये, जैसे महाराष्ट्र में कौन सा है, नंदूर मधेश्वर पक्षी अभयारण्य है, पंजाब में हरिके झील पक्षी अभयारण्य है, ओडिशा में नलबाना पक्षी अभयारण्य। देखिए पक्षी अभयारण्य ये जो वर्ल्ड सेंचुरीज हो गया या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गया या नेशनल पार्क्स हो गया, इस तरह से इनसे क्वेश्चन काफी ट्रेंडिंग रहते हैं यूपीपीसीएस में। तो आपको थोड़ा ध्यान देना होगा और इकोलॉजी को अपना थोड़ा सा और बेहतर तैयार करना होगा, क्योंकि आज के समय पे आप सब जानते हैं कि एनवायरनमेंट कितना एक बड़ा चीज हो जाती है और एनवायरनमेंट से काफी क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते रहे हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ उसके प्रमुख स्थानीय पवने और दूसरी तरफ उसके क्षेत्र दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है वो क्या होगा, ऑप्शन डी यानी कि एलिफेंटा जो है वो कोरोमंडल तट पर इसका क्षेत्र करेक्ट नहीं है बल्कि ये कहाँ पर है, एलिफेंटा कहाँ पर है, मालाबार तट पर है ये, ठीक है, मालाबार तट पर है ये। बाकी के ऑप्शंस आपके करेक्ट दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, वृद्ध गंगा नदी की सहायक नदियों का हमें चयन करना है। तो देखिए वृद्ध गंगा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है, एक तो इंद्रावती नदी है, दूसरा है हमारी पेन गंगा नदी और फिर कौन सी है, प्राणहिता नदी है। तो ये तो तीन नदियां हैं, इसका मतलब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी, ठीक है। अब आप ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि जो वृद्ध गंगा नदी है वो किस नदी को कहते हैं, किसी ना किसी को तो कहते होंगे, ये तो उनकी सहायक नदियां हैं वृद्ध गंगा नदी की, तो वृद्ध गंगा नदी किसे कहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं रिवर्स से क्वेश्चंस, तो ध्यान रखिएगा, रिवाइज करते रहिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, निम्नलिखित में से सबसे दक्षिणी दर्रा का चयन करना है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि लिपु लेक जो दर्रा है वो सबसे दक्षिणी दर्रा है। देख लेते हैं जो शिपकिला दर्रा है वो कहाँ, मतलब किसको किससे जोड़ता है, जैसे शिपकिला दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ता है, वहीं पर हम देखते हैं माना दर्रा जो है वो कहाँ पर आप देखा जाता है, इसको माना दर्रा किसको किससे जोड़ता है, उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, वहीं नीति दर्रा किसको किससे जोड़ता है, उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, ये भी उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है और ये भी उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है। इसके बाद स्पष्ट हो गया इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ती है, शरावती नदी कर्नाटक के डैश जिले से निकलती है और माही नदी मध्य प्रदेश डैश जिले से भी निकलती है। तो देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा हमारा, इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि शरावती नदी कर्नाटक के शिमोगा जिले से निकलती है और माही नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से, धार जिले से निकलती है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना, देखिए क्या है इसमें सही, ऑप्शन डी यानी कि बेलारी ताप विद्युत संयंत्र कर्नाटक में ही है, बाकी की ये गलत दिए गए हैं। चलिए देख लेते हैं करेक्ट क्या होगा, जैसे सीपत ताप विद्युत संयंत्र उड़ीसा में नहीं बल्कि ये छत्तीसगढ़ में है, तालचेर ताप विद्युत संयंत्र छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि ये कहाँ पर है, उड़ीसा में है। देखिए ऊपर नीचे स्टेटमेंट कर दिए गए और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। बरौनी ताप विद्युत संयंत्र कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि ये बिहार में है, और चौथा तो आपका करेक्ट था। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार 1994 के एसआर बोम्मई मामले से संबंधित नहीं था। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी यानी कि ये तीनों ही कथन जो है वो करेक्ट है, ये जैसे धर्मनिरपेक्षता सामाजिक न्याय समीक्षा इससे संबंधित थे इस मामले से। आगे देखते हैं,
2007 में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था कि डैश के बाद 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं कि जुडिशियल रिव्यू उनका किया जा सकता है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि 24 अप्रैल 1973। निम्नलिखित में से कौन से उत्तर पूर्वी राज्य 1948 में गठित गुवाहाटी उच्च न्यायालय के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं? तो कौन कौन से आते हैं, जैसे इसमें नागालैंड आता है और मिजोरम भी आता है, तो इसके अनुसार हमारा प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं, देखिए अगला प्रश्न क्या है इसमें। उच्च न्यायालयों में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? अनुच्छेद 223, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए। बाकी के अनुच्छेद देख लेते हैं भाई, आर्टिकल से तो क्वेश्चन जो डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग में भी आ जाते हैं। जैसे अनुच्छेद 214 किससे संबंधित है? राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 215 हाई कोर्ट का अभिलेख न्यायालय, और अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालयों का गठन से ये संबंधित है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है अनुच्छेद? ऑप्शन सी, क्योंकि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद जो है वो 164 में नहीं, बल्कि यहाँ पर क्या होगा, आर्टिकल 163 के अंतर्गत इसके बारे में बताया गया है। बाकी के ऑप्शन आपके करेक्ट है। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का हमें चयन करना है, तो देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य नागालैंड है। दूसरा कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो इसमें पूछा है गलत कौन सा है, तो नन ऑफ दीज, मतलब ऊपर जो दोनों कथन है वो दोनों ही करेक्ट है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो गया। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है, इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि हमारे दोनों कथन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले दो जिले हैं डैश, और इसमें क्या दो जिले कौन कौन से हैं, देख लेते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि यहाँ पर लोंगलिंग और कैफायर जो ये दो जिले हैं जिनका नाम यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए ये जो लोंगलिंग और कैफायर जो है वो नागालैंड में है, ये जिले कहाँ पर है, नागालैंड के जिले हैं ये। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। उत्तर प्रदेश राज्य के संदर्भ में सबसे दक्षिणी जिला छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करता है, सबसे पूर्वी जिला बिहार की सीमा को स्पर्श करता है, सबसे पश्चिमी जिला राजस्थान की सीमा को स्पर्श करता है, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि पहला दूसरा इसका करेक्ट है। यहाँ पर देखिए सबसे दक्षिणी जिला छत्तीसगढ़, सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है यूपी का जो छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करता है, सोनभद्र है, और यूपी का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है जो बिहार की सीमा को स्पर्श करता है, वो है बलिया। देखिए ये जो तीसरा कथन है ना, सबसे पश्चिमी जिला राजस्थान की सीमा को स्पर्श करता है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि यूपी का जो सबसे पश्चिमी जिला है ना शामली, वो राजस्थान की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। तो आप हमें बताइए कि सबसे पश्चिमी जिला शामली जो है वो किस स्टेट की सीमा को स्पर्श करता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, और निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला तीन तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, नवीनतम कृषि आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस फल के उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर नहीं है, तो क्या है इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन डी, यानी कि इन तीनों में ही जो है वो प्रथम स्थान पर वो है। ठीक है, क्योंकि यहाँ नहीं पूछ रहा है, जबकि यहाँ पर पपीता आम और केला में देखेंगे भारत विश्व में प्रथम स्थान पर उत्पादन में है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है नवीनतम कृषि आंकड़ों के अनुसार। देखिए इसमें गलत विकल्प कौन सा है, ऑप्शन बी, यानी कि सबसे बड़ा प्राकृतिक रबड़ उत्पादक देश कौन सा है, वियतनाम नहीं है बल्कि ये थाईलैंड है। बाकी के देख लीजिए करेक्ट है। सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक देश कौन सा है, ब्राजील है। सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश चाइना है, और सबसे बड़ा नारियल उत्पादक देश इंडोनेशिया है। तो यहाँ पर इसका रबड़ उत्पादक में प्राकृतिक रबड़ उत्पादक देश जो सबसे बड़ा है वो वियतनाम नहीं बल्कि थाईलैंड है। नवीनतम कृषि आंकड़ों के अनुसार भारत के शीर्ष तीन इरी रेशम उत्पादक राज्यों का हमें चयन करना है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करिए। इस प्रश्न का उत्तर है कि ऑप्शन डी, यानी कि नन ऑफ दी अबव, तीनों ही मतलब गलत है। तो पढ़ लेते हैं गलत क्यों है। एल्यूमिनियम के उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा नहीं बल्कि भारत का विश्व में इसमें दूसरा स्थान है। दूसरा क्या है, एल्यूमिना,
यहाँ पर एल्यूमिनियम दिया गया था, दूसरा है एल्यूमिना। ठीक है, यहाँ पर फिर से इसको रफ कर देती हूँ। क्या है ये? एल्यूमिना के उत्पादन में भारत का विश्व में पांचवा नहीं बल्कि चौथा स्थान है। इसके बाद एपेटाइट के उत्पादन में भारत का विश्व में तेरहवा नहीं बल्कि कौन सा स्थान है? सोलहवा स्थान है। स्पष्ट हो क्या होगा? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ खनिज, दूसरी तरफ इनके प्रथम स्थान भंडारण में दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि निकेल खनिज जो है वो गुजरात में इसका भंडारण नहीं है प्रथम स्थान बल्कि उड़ीसा में है। ठीक है, भंडारण में प्रथम स्थान निकेल का कहाँ पर है? उड़ीसा में है। बाकी के ऑप्शन करेक्ट है आपके। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है, ये राज्यों के गठन के संदर्भ में दिए गए हैं नीचे स्टेट्स। ठीक है, नागालैंड जो है वो 1963 में गठित किया गया था, वहीं हरियाणा 1966 और हिमाचल प्रदेश 1971 में और मेघालय 1972 यानी कि 1972 में। आप देख लीजिए इनका सही क्रम क्या है, ऑप्शन डी यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सही क्रम में लगे हुए हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का हमें चयन करना है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग ले सकता है। केंद्र के साथ साथ राज्यों के वित्तीय लेखों को नियंत्रित करने का कार्य भी भारत के महान्यायवादी द्वारा किया जाता है। पूछ रहे कौन सा गलत है इसमें, तो ऑप्शन बी यानी कि केवल दो कथन गलत है, पहला सही है। दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पर देखिए, जो वित्तीय लेखों को नियंत्रित करने का कार्य भी जो है केंद्र के साथ साथ राज्यों के वित्तीय लेखों को नियंत्रित करने का कार्य भारत का महान्यायवादी नहीं बल्कि कौन करता है? ये भी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करता है। ठीक है, मतलब ऊपर वाला ही यहाँ पर दिया गया कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ही करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन वरीयता तालिका के अनुसार सबसे पहले आता है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, क्योंकि सबसे पहले संघ के कैबिनेट मंत्री आते हैं। इसके बाद दूसरा क्या है, देखिए इस तरह से समझिए, यहाँ पर संघ के कैबिनेट मंत्री वरीयता के अनुसार पहले नंबर पे आते हैं, दूसरे नंबर पे आते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, फिर आते हैं उपसभापति जो राज्यसभा के हैं वो आते हैं तीसरे नंबर पे, और फिर चौथे नंबर पे जो आते हैं वो है राज्यसभा। चौथे नंबर पर जो वरीयता के अनुसार क्या आता है, राज्यसभा आती है। इसके बाद पांचवें नंबर पर भारत के महान्यायवादी आते हैं। तो इनका क्रम देखिए इस तरह से रहेगा ना, 1, 2, 3 एंड देन 4 एंड 5, ये रहेगा क्रम। स्पष्ट हो गया होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से विषय समवर्ती सूची के हैं? तो इसमें से कौन से विषय हैं जो समवर्ती सूची के हैं, देख लेते हैं। जैसे मूल्य नियंत्रण, कारखाने, विद्युत जो है, ये तीनों ही समवर्ती सूची के हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, जबकि मत्स्य की जो है यानी कि ये फिशरीज जो है वो किस सूची के अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं हमारे राज्य सूची के अंतर्गत। कंफ्यूज नहीं होना है, ये तीनों ही सूचियों को अच्छे से ध्यान से पढ़कर जाना है, इस तरह से स्टेटमेंट आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किन संशोधन अधिनियम के अंतर्गत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों को पुनः समायोजन पर प्रतिबंध को अगले 25 वर्षों तक बढ़ा दिया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए यानी कि 84वां संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार। आगे देखिए, जब कोई उम्मीदवार उस निर्वाचन क्षेत्र में डाले गए कुल वैध मतों का डैश भाग प्राप्त करने में विफल रहता है तो उम्मीदवार द्वारा जमा की गई राशि को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जब्त कर लिया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी यानी कि 1/6 भाग को प्राप्त करने में यदि वो विफल रहता है तो जमा की गई राशि को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जब्त कर लिया जाता है। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है, देख लेते हैं कौन कौन से इसमें अनुच्छेद करेक्ट है। तो इसमें अनुच्छेद 56 जो है वो करेक्ट है, क्योंकि उसमें राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में बताया गया, जबकि बाकी के जो अनुच्छेद दिए गए हैं वो इनकरेक्ट है। देख लेते हैं क्यों। जैसे हमारा जो मौलिक कर्तव्य है ना, वो 51 सिर्फ 51 में नहीं बल्कि अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आता है, और राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के अंतर्गत आता है, और वही राष्ट्रपति पर विशेष अभिभाषण की जो अभिभाषण है वो अनुच्छेद 86 में नहीं बल्कि किसके अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 87 यानी कि 87 आर्टिकल में आता है। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आयरिश संविधान से नहीं ली गई है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि ये तीनों ही जो है वो आयरिश संविधान से ये विशेषताएं ली गई है। कौन कौन सी? जैसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हो गए, राज्यसभा के लिए सभी सदस्यों का नामांकन हो गया, और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति हो गया। आइए अब आगे देखते हैं। ऊर्जा सांख्यिकी आंकड़ों के अनुसार अवशिष्ट से ऊर्जा की स्थापित क्षमता की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शीर्ष तीन राज्यों में नहीं
नहीं आता है। ये क्या पूछा, 31 अगस्त 2021 तक के आंकड़ों के अनुसार डेट पर ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि तीनों ही करेक्ट है, तीनों ही ये राज्य उसमें शीर्ष तीन राज्यों में आते हैं। आगे बढ़ते हैं, नवीनतम ऊर्जा सांख्यिकी आंकड़ों के अनुसार नाभिकीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता की दृष्टि से शीर्ष दो राज्यों के नाम बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए यानी कि तमिलनाडु और महाराष्ट्र, ये जो है आंकड़ों के अनुसार नाभिकीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता की दृष्टि से शीर्ष दो राज्य तो कौन से, तमिलनाडु और महाराष्ट्र है। तो तीन कौन से, अगर टॉप थ्री पूछा जाए तो तमिलनाडु, महाराष्ट्र और राजस्थान है यहाँ पर, ठीक है। तो ये तीन है यहाँ पर स्पेशली। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है, पहली पंचवर्षीय योजना से संबंधित ये जो स्टेटमेंट है वो कौन कौन से है देख लेते हैं। इसमें देखिए क्या है, इसमें पहला कथन कह रहा है ये हैरोड डोमर मॉडल पर आधारित है, इसका मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विकास था, इस योजना के अंत में देश में 5 IIT स्थापित किए गए थे। तो देख लेते कि इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते कि इसमें जो ऑप्शंस दिए गए वो ठीक है या नहीं। हालांकि इस प्रश्न का उत्तर क्या है, ऑप्शन बी यानी कि केवल दो जो कथन है वो गलत है, यानी कि दोनों जो ऊपर दिए गए पहला और तीसरा सही है। थोड़ा सा हम इसको और डिटेल में देखते हैं, जैसे जो हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना थी ना वो पहले तो जान लीजिए कब से कब तक की थी, तो वो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना थी 1951 से 1956 तक थी, ठीक है ये योजना पहली। इसके बाद इसे जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में शुरू किया गया था, हमें पता होना चाहिए, ये हैरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी और इसका मुख्य उद्देश्य कृषि विकास था, इस योजना के अंत में देश में 5 IIT स्थापित किए गए थे, यानी कि औद्योगिक विकास इसका उद्देश्य नहीं था बल्कि कृषि का विकास था, स्पष्ट हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना को गार्डगिल योजना भी कहा जाता है, और निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हरित क्रांति शुरू की गई थी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए यानी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना को गार्डगिल योजना भी कहा जाता है और चौथी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति शुरू की गई थी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है, तो क्या है इसमें सही विकल्प देखते हैं, 63 का क्या होगा इसमें, देखिए ये है कि ऑप्शन डी यानी कि केवल एक कथन इसमें ठीक है कि पंचवर्षीय पांचवी पंचवर्षीय योजना में विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधन किया गया था। आगे बढ़ते हैं, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य अगले 10 वर्षों में भारत की प्रति व्यक्ति आय को 2 गुना करना था, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय यानी कि थीम जो थी तेजी से और अधिक समावेशी विकास था, इसका विषय क्या था उस वक्त, तेजी से और अधिक समावेशी विकास था। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए यानी कि 10वीं जो पंचवर्षीय योजना में उद्देश्य था कि अगले 10 वर्षों में भारत की प्रति व्यक्ति आय को 2 गुना करना है, वहीं 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय क्या था, तेजी से अधिक समावेशी विकास करना है। आइए, डिजिटल भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि रतन पी बाटल समिति का। निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ का नवीनतम सदस्य है, निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्य नहीं है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी यानी कि कंबोडिया जो है वो दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र का संघ का नवीनतम सदस्य है। इसके बाद कौन सा देश दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्य नहीं है, तो वियतनाम, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है, तो आइए पहले इनका क्रम देख लेते हैं हम एक बार, जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन कब स्थापित किया गया था, 1948 में, इसके बाद विश्व खाद्य कार्यक्रम 1961 में, वहीं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 1919 यानी कि 1919 में, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कब किया गया था, 1945 में। तो आइए इसका क्रम देख लीजिए अब क्या है, ये आपको यहाँ पर दे दिया हमें व्यवस्थित करना है, तो ऑप्शन बी यानी कि यहाँ पर 3, 4, 1, 2 जो है सही कालानुक्रम में इसमें व्यवस्थित है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक तरफ दिए गए, उनके मुख्यालय दिए गए हैं, तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, देखिए बी होगा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय बर्लिन में ही है, बाकी के गलत है। जैसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय रोम में नहीं बल्कि कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है जो कि यूएसए में है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है बल्कि ये कहाँ पर है, लुसाने में, और लुसाने कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष लुसाने में नहीं है बल्कि रोम में है जो कि इटली में है, समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं, गलत विकल्प का चयन करना है हमें इसमें, इस प्रश्न का गलत यानी कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक विश्व बैंक द्वारा नहीं बल्कि किसके द्वारा जारी की जाती है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की जाती है, बाकी के ऑप्शन आपके एकदम करेक्ट है। आगे देखिए,
भारत का पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले की पटवई ग्राम पंचायत में बनकर तैयार हो गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि रामपुर में। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, एक तरफ जांच, एक तरफ उसके संबंधित अंग दिए गए हैं, तो इसमें से इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी कि ये गलत है। इस जांच का जो है वो संबंधित अंग कितनी नहीं बल्कि क्या है, मस्तिष्क है। क्या है इसका? मस्तिष्क है। बाकी के ऑप्शंस आपके एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक तत्व रक्त कैंसर के उपचार के लिए प्रयोग किए जाते हैं? देखिए ये प्रश्न भी आपको कई बार पूछा गया लास्ट वीडियोस में भी, तो रिवाइज किया होगा तो आप यहाँ पर बता पाएंगे। जैसे ऑप्शन ए यानी कि कोबाल्ट 60 और फास्फोरस 32 जो है वो रक्त कैंसर के उपचार के लिए प्रयोग किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से सही विकल्प का हमें चयन करना है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी, यानी कि ऑक्सिन पादप हार्मोन्स की खोज जो है वो चार्ल्स डार्विन ने ही की थी। बाकी के ऑप्शंस गलत है। अब भाई गलत है तो हम देख लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इसी से क्वेश्चन आ जाए, कुछ भी हो सकता है ना। तो क्या है, किण्वन की खोज किसने की थी? ईच कुरोसावा ने नहीं बल्कि लुई पाश्चर ने की थी। वही माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? रिचर्ड अल्टमैन ने की थी। और जिबरेलिन पादप हार्मोन की खोज किसने की थी? ईच कुरोसावा ने की थी। स्पष्ट हो गया है? आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का हमें चयन करना है। देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि नर्मदा बचाओ आंदोलन 1973 में नहीं बल्कि 1985 में हुआ था ये आंदोलन। बाकी के ऑप्शंस आपके एकदम करेक्ट हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पशु भारत की शीर्ष 3 लुप्त प्राय पशु प्रजातियों में नहीं आता है? तो ऑप्शन डी यानी कि भारतीय गैंडा इसमें नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को संरक्षित जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की सूची में अधिसूचित नहीं किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी यानी कि मानस जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है वो इसको इसमें शामिल नहीं किया गया है। देख लीजिए बाकी के जो है, जैसे अगस्त्यमाला जयमंडल आरक्षित क्षेत्र का सन क्या है, 2016 में इसको आरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया था यूनेस्को में। इसके बाद हम देखते हैं कंचनजंगा जयमंडल आरक्षित क्षेत्र को कब किया गया था, 2018 में। वहीं पन्ना जयमंडल आरक्षित क्षेत्र को 2020 में किया गया था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है, भारतीय रामसर स्थल के बारे में स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए कि भिंडापास वन्य जीव अभयारण्य भिवानी में नहीं बल्कि कहां पर है, झज्जर में है। कहां पर है? झज्जर डिस्ट्रिक्ट। और झज्जर डिस्ट्रिक्ट कहां पर है? हरियाणा में है। स्पष्ट हो गया है? बाकी के देख लेते हैं गलत क्यों थे यहाँ पर, मतलब बाकी के जो है वो सही हैं, लेकिन जैसे देखते हैं क्या है, जैसे सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान गुरुग्राम में है जो कि हरियाणा में है, ठीक है। थोल झील वन्यजीव अभयारण्य अहमदाबाद के पास है, अहमदाबाद के पास यहाँ पर, यानी कि गुजरात की बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। वाधवाना आर्द्र भूमि जो है वो वडोदरा में है जो कि गुजरात में है। स्पष्ट हो गया है? आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ इसके स्टेट और एक तरफ इसके त्योहार दिए गए हैं, तो देख लेते हैं कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जैसे यहाँ पर ऑप्शन सी यानी कि थाई पुसम जो त्योहार है वो अरुणाचल प्रदेश का नहीं बल्कि ये तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का है। बाकी के ऑप्शन आपके करेक्ट दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन है? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन यानी कि रेटिनॉल। निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मार्च के महीने में मनाया जाता है? तो देख लेते हैं कौन सा किस किस महीने में मनाया जाता है। जैसे विश्व आर्द्र भूमि दिवस यहाँ पर 2 फरवरी को, ठीक है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च को, यानी कि 1 मार्च को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, ठीक है। विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है। पूछ रहा है कि मार्च के महीने में कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो यानी कि शून्य भेदभाव दिवस ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। इस एक्स किरणें चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में, परावैगनी किरणें प्रकाश विद्युत प्रवाह उत्पन्न करने में, गामा किरणें जीवाणु को नष्ट करने में। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि तीसरा गलत है, पहले दूसरे करेक्ट है। अब आप हमें बताइए कि गामा किरणें जो है अगर ये इनकरेक्ट है तो गामा किरणों का इस्तेमाल किन चीजों के लिए किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है? कैलोरी प्रति ग्राम इसमें डिग्री सेल्सियस में बात कर रहा है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी यानी कि पानी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ध्वनि की गति 25 डिग्री सेल्सियस से कम होती है? तो किसकी होती है सबसे कम? वायु की, ठीक है। आगे देखते हैं,
4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के सापेक्ष निम्नलिखित में से किस पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व अन्य तीन पदार्थों में सबसे अधिक होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी यानी कि ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से किन माध्यमों में प्रकाश की गति एक समान रहती है मीटर प्रति सेकंड में? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि रॉक सॉल्ट और नायलॉन में। चलिए आगे देखते हैं। चेंचू क्या लिखा है? चेंचू आदिवासियों द्वारा वनों पर अंग्रेजों के बढ़ते नियंत्रण के विरुद्ध वन सत्याग्रह कब शुरू किया गया था और यह सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कि 1920 में शुरू किया गया था और आंध्र प्रदेश से इसको शुरू किया गया था। आदिवासी महासभा का गठन कब हुआ था और आदिवासी महासभा के स्थान पर क्षेत्रीय झारखंड दल का गठन कब किया गया था? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1886 में कोया विद्रोह का नेतृत्व किया था और निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से कोया विद्रोह से प्रभावित हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी यानी कि कोया विद्रोह का नेतृत्व राजा अनंतय्यार ने, और इसका जो कौन सा क्षेत्र कह रहा है, पूर्वी गोदावरी क्षेत्र मुख्य रूप से कोया विद्रोह से प्रभावित हुआ था। कट्टा बोम्मन नायकन निम्नलिखित में से किस विद्रोह के प्रमुख नेता थे? तो किस विद्रोह के प्रमुख नेता थे, देखिए ये थे पोलीगर का जो विद्रोह था उसके प्रमुख नेता थे, तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। देखिए वेल्लोर विद्रोह कब हुआ था? 1806 में। इसके बाद 47वीं नेटिव इन्फेंट्री यूनिट का विद्रोह कब हुआ था? 1824 में। इसके बाद ग्रेनेडियर कंपनी का विद्रोह कब हुआ था? 1825 में। वही हमारा शोलापुर में विद्रोह कब हुआ था? 1833 में। अब देख लीजिए इसका सही क्रम क्या है। ऑप्शन ए यानी कि ये सही क्रम में ही लगे थे। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश जनरल 1857 के विद्रोह में लखनऊ से संबंधित नहीं था? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि तीनों ही संबंधित थे। देखिए ये तीनों तो थे ही, इसके साथ और कौन से थे ब्रिटिश जनरल 1857 के विद्रोह में लखनऊ में संबंधित थे? वो थे जेम्स आउट्रम, सर कॉलिन कैंपवेल भी थे इसमें। स्पष्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध रणजीत सिंह महिथिया और हैरी स्मिथ के बीच लड़ा गया था? युद्ध कब लड़ा गया था ये वाला? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि वुदेवाल का युद्ध, और इसमें क्या है, वुदेवाल का जो युद्ध है वो इन दोनों के बीच लड़ा गया था और कब लड़ा गया था? 1846 में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संधि पर प्रथम मराठा युद्ध के अंतर्गत हस्ताक्षर नहीं किए गए थे? तो कह रहा है ये प्रश्न का उत्तर कि ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं यानी कि सब पर किए गए थे। ठीक है, तो इसमें क्या है, सूरत की संधि 1775 में हुई थी और पुरंदर की संधि कब हुई थी, 1776 में, और सालवाई की संधि कब हुई थी, 1782 में। अब आइए प्रथम मराठा युद्ध देखेंगे, तो 1775 के से कब तक हुआ था, 1782 तक ये हुआ था हमारा प्रथम मराठा युद्ध, और इसी के अंतर्गत ये सारी संधियां हुई थी। स्पष्ट हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का हमें चयन करना है, तो देखिए इस प्रश्न का गलत विकल्प कौन सा होगा? ऑप्शन सी यानी कि केवल तीसरा कथन जो है वो गलत है, बाकी के तो करेक्ट है। तीसरा कर्नाटक युद्ध आरकोट का युद्ध क्यों गलत है, क्योंकि देखिए तीसरा कर्नाटक का युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था, पहले ये देखिए, वो हुआ था 1756 से लेकर 63 तक। ठीक है, ये बांडीवाश का युद्ध हुआ था, तीसरा कर्नाटक युद्ध के सामने, यहाँ पर आरकोट का युद्ध नहीं बल्कि बांडीवाश का युद्ध हुआ था। अब आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में कि बांडीवाश का युद्ध कब और किसके किसके बीच हुआ था। ठीक है, बांडीवाश का युद्ध कब और किसके किसके बीच हुआ था। आगे बढ़ते हैं। तीसरे मैसूर युद्ध के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि श्रीरंगपट्टनम की संधि पर, यहाँ पर सही लिखा है श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। और देखिए ये जो संधियां दी गई है ना, ये देख लेते हैं कब कब किस किस युद्ध में हुई थी। जैसे मद्रास की संधि प्रथम मैसूर युद्ध में हुई थी, ध्यान दीजिएगा, मद्रास की संधि प्रथम मैसूर युद्ध में, और वहीं मैंगलोर की संधि दूसरा मैसूर युद्ध में हुई थी, और बेसिन की संधि जो थी वो दूसरा मराठा युद्ध के समय पे हुई थी। किसमें? दूसरा मराठा युद्ध में। और हमारा दूसरा मराठा युद्ध कब से कब तक हुआ था? 1803 से लेकर 1805 तक ईस्वी तक। देखिए इसमें सारी संधियां दे दी गई अलग अलग युद्धों से है, तो ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, अभ्यास करते रहिए प्रश्नों का, कंफ्यूज होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि सेवा समिति जो है वो रामाबाई राणाडे की नहीं बल्कि किसकी थी, हृदयनाथ कुंजरू। ठीक है, हृदयनाथ कुंजरू के द्वारा इस समिति को लाया गया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है, तो पहले हम इसका एक बार वो देख लेते हैं क्या है क्रम। भारत धर्म महामंडल बनारस में 1902 में, बनारस में
1902 में लाया गया था। इसके बाद द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये 1905 में मुंबई में यानी कि बम्बई में लाया गया था। इसके बाद पूना सेवा सदन 1909 में, ठीक है। फिर इसके बाद निष्काम कर्म मठ जो है वो पूना में 1910 में लाया गया था। अब इसका 1910 में, यहाँ पर सही से लिख देती हूँ मैं, 1910 में लाया गया था। अब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा हमारा, ऑप्शन देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए नहीं गए, तो ऑप्शन डी में हम यहाँ पर लिख देते हैं क्या है, 1, 2 और 3 और 4, यानी कि ये इसका सही क्रम है। स्पष्ट हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। 1884 में गठित दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापकों का हमें चयन करना है, तो देखिए इसमें क्या है इसका, कि इसका प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि महादेव गोविंद रानाडे, बीजी चिव दोनकर, इसके बाद आता है गोपाल गणेश अगरकर। ये तो इसके हैं कि इसमें संस्थापकों का इनमें चयन किया गया था, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापकों का चयन इसमें इनका किया गया था। अब आप ये देखिएगा कि जो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी था वो कब आया था, वो पुणे में आया था, और कब आई थी ये सोसाइटी का गठन कब किया गया था, 1884 में। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी घटना वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के शासनकाल से संबंधित है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि 3 जून योजना की घोषणा इससे संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से विषम विकल्प का हमें चयन करना है, तो विषम विकल्प के लिए पहले हमें पता होना चाहिए, जैसे सी राजगोपालाचारी सी आर का फॉर्मूला 1944 में ही आया, गांधी जिन्ना वार्ता का विफलता कब हुई थी 1944 में ही, मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन में बांटो एवं वापस जाओ का नारा 1944 में ही आया था, जबकि शिमला सम्मेलन जो हुआ था वो 1944 में नहीं 1942 में हुआ था, तो इस हिसाब से इसका विषम विकल्प क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। देखते हैं निम्नलिखित में से सही विकल्प का हमें चयन करना, एक तरफ इनके कलर और दूसरी तरफ इनके पिगमेंट यानी कि वर्णक दिए गए हैं, तो क्या कह रहा है इसमें कि सही विकल्प कौन सा है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि पपीते का पीला रंग कैरिकाजेंथिक के कारण ही होता है। बाकी के देखिए गलत दिए गए, क्योंकि सेब का लाल रंग लाइकोपिन के वजह से नहीं बल्कि एंथोसाइनिन की वजह से होता है, और टमाटर का लाल रंग किसकी वजह से होता है, लाइकोपिन की वजह से होता है, और हल्दी का पीला रंग सोलेनिन की वजह से नहीं बल्कि जैंथोफिल की वजह से, किसकी वजह से, जैंथोफिल की वजह से इसका पीला रंग होता है। इस तरह से देखिए कलर और पिगमेंट से ना काफी क्वेश्चंस यूपीपीसीएस हमेशा पूछता है, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इस बार भी निश्चित है कि क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, मुझे ऐसा लगता है, और जरूर क्वेश्चन आने भी चाहिए, क्योंकि बहुत ही साधारण से ये क्वेश्चन होते हैं, अगर सही से तैयारी की है तो एग्जैक्ट इसका आंसर आप दे सकते हैं, तो यहाँ पर कंफ्यूजन की कोई संभावना ही नहीं रहती है अगर सही से पढ़ा है तो। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि विटामिन B7 जो है रुधिर छीणता नहीं बल्कि, यहाँ पर देखिए रुधिर छीणता जो है वो विटामिन B7 की वजह से नहीं बल्कि विटामिन B6 की वजह से होता है ये, और बाकी के ऑप्शंस आपके एकदम करेक्ट हैं। आगे बढ़ते हैं, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, भारतीय संघ का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी, यानी कि 11 मौलिक कर्तव्य है हमारे संविधान में, और इसमें है कि इनमें से कोई नहीं, भारतीय संघ का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है, तो लिखा है यहाँ पर कोई नहीं, जबकि कोई ना कोई तो होता है, तो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, ठीक है, राष्ट्रपति होता है इसका अध्यक्ष। आगे बढ़ते हैं, यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त है, ध्यान दीजिएगा, यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त है, उपराष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI की बात कर रहा है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश भी अनुपस्थित है, तो राष्ट्रपति के कार्यों का निष्पादन कौन करेगा। देखिए इतनी आगे की चीजें हमारे संविधान में इस तरह से नहीं लिखा है, तो यहाँ पर क्या है ना कि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि अभी तक क्या है कि नो प्रोविजन हैज बी गिवन रिगार्डिंग दिस सिचुएशन एज येट, तो क्या है कि यहाँ पर इस कंडीशन में जहां पर राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त हो जाता है, इस कंडीशन में क्या हो सकता है, लास्ट ऑप्शन, कि सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, ध्यान दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा उसको उस समय उपलब्ध होगा, जो उसको उस समय राष्ट्रपति के पद पर वहां पर नियुक्त कर दिया जाएगा। स्पष्ट हो गया है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से सबसे पूर्वी राष्ट्रीय उद्यान का हमें चयन करना है, तो सबसे पूर्वी राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, नवेगांव है राष्ट्रीय उद्यान, जो कि हमारा महाराष्ट्र में है, ठीक है, दिखती जाती हूँ, नेशनल पार्क से क्वेश्चन आते हैं, तो ब्लैक कवक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये है हमारा गुजरात में है, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, MP में है। अब आप हमें बताइए गुगामाल जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है,
आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, पता चले मुझे कि आप कैसे तैयारी कर रहे हैं या तैयारी सही चल रही है या नहीं। अपना निरीक्षण करते रहना चाहिए ना हमें। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हाथी अभ्यारण्य पूर्वी मध्य भूदृश्य के अंतर्गत नहीं आता है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी कि पूर्वी डुअर्स हाथी अभ्यारण्य पूर्वी मध्य भूदृश्य के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आता है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देखिए ये जो मयूर झरना हाथी अभ्यारण हो गया, सिंहभूम हाथी अभ्यारण हो गया, मयूरभंज हाथी अभ्यारण हो गया, ये तीनों अभ्यारण कहाँ पर अवस्थित हैं? आप हमें बताएंगे इनकी लोकेशन क्या है, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इंतजार करूंगी और देखते हैं कौन कौन इसका सही आंसर बताता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी कि नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि कहां पर है, ये गोवा में है। ठीक है, किस तरह से कंटिन्यू आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अभयारण्य से, तो रिवाइज करते रहिए स्क्रीनशॉट लेकर। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी, यानी कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बागपत में नहीं बल्कि इज्जत नगर जो कि बरेली में है। ठीक है, बाकी के ऑप्शंस करेक्ट है। आइए 2018 में ध्यान दीजिएगा, आप में से कुछ लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि मैडम आपने अभी करंट के बारे में तो ये दिया गया है, आप इसमें बता रही हैं ये, तो मैं यही बोलती हूँ प्लीज इसको फोकस से देखिए क्या लिखा है। 2018 की बात कर रहा है कि 2018 में जारी आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। उत्तर प्रदेश राज्य के संदर्भ में आपसे पूछा गया है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी। क्यों बताया मैंने ऑप्शन डी? क्योंकि देखिए तहसील की संख्या 350 है, वहीं पर इसमें ब्लॉक पंचायत की संख्या 821 है, न्याय पंचायत की संख्या 8135 है 2018 में जारी आंकड़ों के अनुसार। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का हमें चयन करना है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि तीनों विकल्प करेक्ट है। पढ़ लेते हैं क्या? उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद 1959 में, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग 1998 में, उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी 1983 में ही गठित की गई थी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। जनगणना सेंसस 2011 उत्तर प्रदेश के संदर्भ में स्टेटमेंट्स आपको दिए जा रहे हैं। तो क्या है? उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत लगभग 52% है, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत लगभग 48% है, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत लगभग 78% है। देखिए तीनों ही करेक्ट है ये, तो इस कथन का मतलब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 के अनुसार क्या है? उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात वाले शीर्ष दो जिलों का चयन करना है। ऐसे क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते रहे हैं और इसमें गलती नहीं करना है हमें। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा हमारा? देखिए इसमें दो जो है वो शीर्ष जिले हैं, वो कौन कौन से हैं? जौनपुर है, दूसरा आजमगढ़ है, तो इसके अनुसार ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है? देखिए इसमें जौनपुर में जो है वो कितना लिंगानुपात है? 1024, वहीं आजमगढ़ में देखेंगे 1019 है। यदि आपको पता है कि देवरिया में कितना है तो जरा आप हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में, अगर पता है तो बताइएगा जरूर। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन लखनऊ घराने से संबंधित नहीं है? तो देखिए लखनऊ घराने से कौन संबंधित नहीं? रसूलन बाई जो है वो लखनऊ घराने से संबंधित नहीं बल्कि वो बनारस घराने से, किससे? बनारस घराने से संबंधित हैं। ठीक है, बाकी के जो ऑप्शंस दिए गए जैसे बिंदादीन, बिरजू महाराज, तो ये दोनों जो हैं वो लखनऊ घराने से संबंधित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम ब्रज क्षेत्र में गाए जाने वाले लोकगीतों का चयन हमें करना है। तो ब्रज क्षेत्र में कौन कौन से लोकगीत गाए जाते हैं? लांगुरिया गाया जाता है, ठीक है, इसके बाद गाया जाता है आपका फाग गाया जाता है, वहीं आपका रसिया भी गाया जाता है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। वही संस्कार गीत कहाँ गाए जाते हैं? ये गाए जाते हैं अवध क्षेत्र में। देखिए अवध क्षेत्र में कितना छोटा सा देखने में प्रश्न है, लेकिन अगर नहीं आता है तो इससे ज्यादा टफ कुछ नहीं हो जाता है। तो पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए और मेहनत करते रहिए, मेहनत में कोई कमी मत छोड़िए। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि बावनी इमली शहीद स्थल बाराबंकी में नहीं बल्कि फतेहपुर में है। ठीक है, ये फतेहपुर में है, बाकी के ऑप्शन आपके करेक्ट है। देखते रहिएगा, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश का कुल वनावरण कितना है? भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के कुल वनावरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए।
अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किन दो राज्यों में वनावरण में 200 वर्ग किलोमीटर से कम की वृद्धि दर्ज की गई है? देखिए, इस प्रश्न का उत्तर तो हो जाएगा ऑप्शन सी। कर्नाटक में कितनी वृद्धि जो है वो दर्ज की गई, 200 वर्ग किलोमीटर से कम है, 155 वर्ग किलोमीटर। और झारखंड में कितनी वृद्धि दर्ज की गई, 110 वर्ग किलोमीटर। तो ये तो 200 वर्ग किलोमीटर से कम ही है, बाकी की इससे ज्यादा है, तो किसमें कितनी है देख लेते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश में 647 वर्ग किलोमीटर है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं तेलंगाना में, तो तेलंगाना में कितनी दर्ज की गई है, 632 वर्ग किलोमीटर, ये तो 200 से ऊपर ही है ना। इसके बाद ओडिशा में देखिएगा कि ओडिशा में कितनी है, यहाँ पर देखेंगे कि ओडिशा में 537 वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई है। कर्नाटक और झारखंड का मैंने आपको बता ही दिया है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार, तो देखिए पिछले आकलन 2019 की तुलना में केवल गुजरात राज्य में मैंग्रोव कवर में कमी दर्ज की गई है। अकेले पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिण 24 परगाना जिले में देश के लगभग 42% मैंग्रोव कवर करते हैं। प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि दोनों कथन हमारे करेक्ट हो जाते हैं। 2019 के आकलन की तुलना में उत्तर प्रदेश राज्य में वृक्षों के आवरण में डैश की वृद्धि दर्ज की गई। उत्तर प्रदेश वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार ये पूछ रहा है, तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि 79 वर्ग किलोमीटर में इसको वृद्धि दर्ज की गई है। अगले प्रश्न को देखिए, उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन आवरण में वृद्धि की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा जिला शीर्ष 3 जिलों में नहीं आता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि बलरामपुर इसमें नहीं आता है। इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि वनावरण की वृद्धि की दृष्टि से ठीक है, शीर्ष 5 जिले कौन से हैं ये हम जान लेते हैं, ताकि एग्जाम में अगर आए तो यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो। जैसे सहारनपुर में अधिकतम वृद्धि हुई है, वहीं चित्रकूट है, फिर तीसरे नंबर पे आता है प्रयागराज, फिर आता है हमारा बाराबंकी आता है, फिर लास्ट में आता है बलरामपुर। तो शीर्ष 3 जिलों में बलरामपुर नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में मध्यम सघन वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि उन्नाव। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का हमें चयन करना है। तो देखिए, जल शक्ति मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार जल जीवन मिशन के अंतर्गत 100 जिले हर घर जल जिले बन गए हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य का चंबा जिला हाल ही में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 100वां हर घर जिला बन गया है। तो इसमें गलत विकल्प कौन सा है हमारा? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि दोनों कथन करेक्ट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कुल प्रजनन दर कितनी है, और आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कितने भारतीय स्टार्टअप्स ने यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए होगा, यानी कि 2.0 कुल प्रजनन दर जो है वो अभी इसके अनुसार है, और 44 भारतीय स्टार्टअप्स ने यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे 2021 और 2022 के अनुसार इसके कथन दिए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रतिदिन सड़क निर्माण की सीमा को बढ़ाकर 36.5 किलोमीटर प्रतिदिन कर दिया गया है। अगस्त 2021 में प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 को अधिसूचित किया गया है, जिसका उद्देश्य 2024 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को समाप्त करना है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए, यानी कि केवल एक कथन ठीक है, दूसरा गलत है। क्यों? क्योंकि इसका उद्देश्य 2024 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को समाप्त नहीं करना है, बल्कि 2022 तक है। आगे बढ़िए, उत्तर प्रदेश राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा शहर सितंबर 2022 से सितंबर 2023 तक की अवधि के लिए शंघाई सहयोग संगठन की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बन जाएगा? तो इस प्रश्न का उत्तर जो है वो तो है वाराणसी, ठीक है। वाराणसी आपके ऑप्शंस में दिया नहीं गया, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? वाराणसी। तो यहाँ पर क्या लिखा, इनमें से कोई नहीं, तो क्या है ये? वाराणसी है। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है IQAR द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार। तो यहाँ पर देखिए, ये जो हाल ही में जारी की बात कर रहा है ना, ये कौन से किस डेट की बात कर रहा है? ये 22 जनवरी 2022 के अनुसार आपसे पूछ रहा है। तो घाटमपुर देश का सबसे प्रदूषित शहर है, ये भी करेक्ट है। जौनपुर देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है, ये भी करेक्ट है। वाराणसी देश का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर है, ये भी करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कथन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से गलत विकल्प हमें चुनना है। हाल ही में इंग्लैंड के पूर्व कप्तान रे इलिंगवर्थ का निधन हो गया है। मोटोफुमी सितारा को इंडिया यामाहा मोटर प्राइवेट लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी, यानी कि केवल दो कथन गलत है। पहला ठीक है, दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि मोटोफुमी सितारा को नहीं, बल्कि यहाँ पर इशिन चिन्हा किसको यहाँ पर लिख देती हूँ, स्पष्ट हो जाएगा। इशिन चिहाना को, ठीक है,
इशिन चिहाना को इंडिया यामाहा मोटर प्राइवेट लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। आगे देखिए, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जनता द्वारा पीले कपड़े के थैलों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मीनदम बजम्पाई योजना शुरू की है। सुशासन सूचकांक 2021 में, माफी चाहती हूँ, यहाँ पर 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो तमिलनाडु और गुजरात, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। तो देखिए कैसे कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने जनता द्वारा पीले कपड़े के थैले के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए मीनदम बजम्पाई योजना शुरू की है। और सुशासन सूचकांक 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया? गुजरात ने किया है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसे RBL बैंक के अंतरिम प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? निम्नलिखित में से किसे वित्त उद्योग विकास परिषद का सह अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी, यानी कि राजीव आहूजा और कमलेश गांधी। निम्नलिखित में से किसने अरूप राय चौधरी की आत्मकथा द टर्नओवर विजार्ड सेवियर ऑफ थाउजेंड्स, ठीक है, यहाँ पर देखिए इंग्लिश में क्या लिखा हुआ, द टर्नओवर विजार्ड सेवियर ऑफ थाउजेंड्स ऑटोबायोग्राफी ऑफ अरूप रॉय चौधरी, यहाँ पर इसका विमोचन किसने किया है, इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि एम वेंकैया नायडू ने। निम्नलिखित को सही विकल्प में हमें चयन करना है। मोहम्मद बरकिंडो को पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन तेलंगाना के हैदराबाद में किया गया है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी, यानी कि केवल दो कथन करेक्ट है, पहला गलत है, क्योंकि मोहम्मद वरकिंडो को नहीं बल्कि इसमें हैतम अल घिस को जो है पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए, यानी कि पहला कथन हमारा गलत है, दूसरा सही है कि हाल ही में मिजोरम राज्य में लोसांग महोत्सव मनाया गया है। ठीक है, अब पहला गलत क्यों? क्योंकि MS साहू के कार्यकाल को नहीं बल्कि यहाँ पर किसके, नवरंग सैनी, यहाँ पर लिख देती हूँ, नवरंग सैनी के कार्यकाल को इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। हाल ही में किन दो देशों के प्रधानमंत्रियों ने चीन का मुकाबला करने के लिए एक आभासी शिखर सम्मेलन में ऐतिहासिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ऑप्शन सी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया और जापान। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 जीती है? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, हाल ही में डैश में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी कि चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद के वित्त पोषण के लिए भारतीय निर्यात आयात बैंक ने डैश देश की सरकार को डैश की ऋण सहायता प्रदान की है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी। आगे देखिए, हाल ही में ब्लूम्सबरी इंडिया द्वारा इंडिया दैट इज भारत कॉलोनियलिटी सिविलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक प्रकाशित की गई है। इस पुस्तक, यह पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है, कौन सी पुस्तक? देखिए इस पुस्तक का नाम, टाइटल दिया क्या है यहाँ पर, तो यह पुस्तक किसके द्वारा पब्लिश की गई है, देख लेते हैं यहाँ पर। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि JSI दीपक के द्वारा। हाल ही में जारी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2022 में भारत में बेरोजगारी दर तेजी से गिरकर कितने प्रतिशत हो गई है? नवंबर में कितने प्रतिशत थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए। हाल ही में किसे भारतीय एयरलाइन इंडिगो ने अपने सह संस्थापक और कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत रामानुजाचार्य की स्मृति में हैदराबाद में कितने फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी राष्ट्र को समर्पित किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि राहुल भाटिया को कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, सह संस्थापक के रूप में भी, और इसमें कह रहा है कि 216 फीट जो है ये स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी जो स्थापित की गई है उसको राष्ट्र को समर्पित किया गया, इसकी ऊंचाई कितनी है, 216 फीट कह रहा है ये। आगे देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित एक जॉब पोर्टल स्वराजबिलिटी का बीटा संस्करण लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद, यानी कि IIT हैदराबाद की बात कर रहा है।
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन संयुक्त राज्य में करने की घोषणा की। तो संयुक्त राज्य में कहाँ करने की घोषणा की? लॉस एंजल्स में। चलिए, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश तथा डैश और डैश उच्च न्यायालय के पूर्व भूतपूर्व न्यायाधीश RC लाहोटी का हाल में निधन हो गया है। प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि यहाँ पर लिखा है कि दिल्ली, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश दिल्ली, और दूसरा है कि MP उच्च न्यायालय के पूर्व भूतपूर्व न्यायाधीश RC लाहोटी का हाल में निधन हो गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य के नरसिंह पेट्टई नागस्वर्म को संगीत वाद्य यंत्रों की श्रेणी में भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया है, यानी कि GI टैग की बात कर रहा है। फिच रेटिंग्स ने अपने वैश्विक आर्थिक आउटलुक मार्च 2022 में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत में सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को 10.3% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है यहाँ पर? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि तमिलनाडु, और 8.5% यहाँ पर कर दिया गया है। हाल ही में जारी IQ एयर की 2021 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट से संबंधित गलत विकल्प का हमें चयन करना है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि तीसरा स्थान मस्कट को नहीं बल्कि एन जमेना, जो कि तजाकिस्तान में, उसको दिया गया है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि पांचवा स्थान जो है IQ एयर के लिए, पांचवा स्थान किसको मिला है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने अपना पहला इंडियन सुपर लीग खिताब जीता है? हाल ही में किस बैंक ने लघु व्यवसाय ऋणों को डिजिटल प्रोत्साहन देने के लिए स्मार्ट हब व्यापार कार्यक्रम और ऑटो फर्स्ट नामक ऐप लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हैदराबाद FC और HDFC बैंक। निम्नलिखित में से कौन सा दिवस अप्रैल 2022 में नहीं मनाया गया है? तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन डी, यानी कि विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 21 मार्च को मनाया गया है, जो 21 मार्च को मनाया जाता है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? 29 अप्रैल को, 29 अप्रैल को। विश्व स्टेशनरी दिवस 27 अप्रैल को। इसके बाद आता है कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए वैश्विक दिवस कब मनाया जाता है आपका? 28 अप्रैल को। तो इसमें विषम क्या है, जो अप्रैल में नहीं मनाया जाता वो है हमारा ऑप्शन डी, यानी कि विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में न्यूजीलैंड क्रिकेट पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई है, उससे संबंधित हमें गलत विकल्प का चयन करना है। तो देखिए इसका गलत विकल्प क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला ODI प्लेयर ऑफ द ईयर डेवोन कॉनवे को नहीं बल्कि किसको दिया गया है? अमेलिया केर को दिया गया है। बाकी के ऑप्शंस करेक्ट है। हाल ही में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला देश का पहला शहर बन गया है? सीवर सिस्टम के तहत कितने घरों को वैक्यूम आधारित सीवर से जोड़ा गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि आगरा को इसमें वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला देश का पहला शहर बना दिया गया है। और कितने घरों को वैक्यूम आधारित सीवर से जोड़ा गया है? 240। हाल ही में स्वीडन स्थित थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021 से संबंधित सही विकल्प का हमें चयन करना है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी, यानी कि तीसरा स्थान इसमें भारत को मिला है, यानी कि प्रथम स्थान चाइना को नहीं बल्कि यहाँ पर अमेरिका को मिला है, ठीक है। इसके बाद दूसरा स्थान अमेरिका को नहीं बल्कि चाइना को, यानी कि चीन को मिला है ये। तो अब क्या हो गए इस हिसाब से? हमारे कथन देखिए सारे सही हो गए। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। अंतिम प्रश्न को देखते हैं आज के। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। पहला कथन कह रहा है झारखंड का जामताड़ा सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक पुस्तकालय वाला देश का एकमात्र जिला बन गया है। दूसरा कह रहा है बिहार के भोजपुर में वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव कार्यक्रम में भारत ने एक साथ 78,220 झंडे लहराकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि दोनों कथन हमारे करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर गलत पूछ रहा था और यहाँ कह रहा है इनमें से कोई नहीं, लेकिन हमारे तो दोनों कथन करेक्ट है। तो देखिए इसी के साथ आज की अपनी इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, और मैं आप सभी से आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छे से समझ आ रहे होंगे। इसी तरह से आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि सभी इसका लाभ उठा सके, और जो भी कोई नया वीडियो अपलोड होता है तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अपनी तैयारी को इसी तरह से बनाए रखिए, खुद में विश्वास रखिए। अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, गुड बाय।